हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू स्कॉलर्स पॉइंट तो दोस्तों हम आज स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियस एज अ मास्टर सेल ऑर्गेनेली आप हमेशा सेल्स में न्यूक्लियस ड्रॉ करते हो तो जिन सेल्स में न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यू कहते हैं द सेल्स विच हैव ट्रू

उनकी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होती एंड ह्यूमन या फिर मैमलियन आरबीसीज में भी न्यूक्लियस नहीं होता पर्टिकुलरली एक मैमल है कि जिनके आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होता है उसे हम कैमल बोलते हैं कैमल की आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है मैमल में हु? और बाकी अदर मैमल्स में आरबीसीज नॉट हैविंग न्यूक्लियस ओके तो चलते हैं हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस को लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में कैरी ऑन भी कहते हैं न्यूक्लियस या फिर कैरी ऑन और इसी वर्ड से कैरियोटिक प्रो कैरियोटिक वर्ड यूज में आया है ओके न्यूक्लियस कैरियोन कंट्रोल हाउस ऑफ सेल न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिली अभी ये हम न्यूक्लियस देख रहे हैं इसके दो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं हमें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन और इनके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ओके okay? तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिली है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है टू मेम्रेन आर नॉट कंप्लीट वाई बिकॉज एट सर्टन प्लेसेस देर आर सम होल्स अपर्चर ओपनिंग्स कॉल न्यूक्लियर पोअर्स यहां नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोअर्स है जिनकी वजह से क्या होता है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। इनमें मटेरियल का एक्सचेंज होता है आदान प्रदान होता है ओके तो इन वजह से जो लार्जर मॉलिक्यूल रहेंगे वो या एंटर करेंगे एग्जिट करेंगे न्यूक्लियर पोर के थ्रू ओके चलिए तो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिली इट इज फाउंड इन यू सेल्स एंड एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मेमिलियन आरबिस मेमिलियन आरबिस ऑल्सो नॉट हैलियस न्यूक्लियस इज अ मास्टर सेल ऑर्गेनि हमने पहले ही बता दिया है ओके okay. क्यों क्योंकि वो सेल की मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटीज पे कंट्रोल करता है इसकी वजह से उसे मास्टर बोलते हैं न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्ट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो नॉन डिवाइडिंग मेच्योर्ड सेल होती है जिनमें सेल डिविजन की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है उन सेल में न्यूक्लियस हमें प्रोमिनंटली दिखता है डिस्टिंक्टली दिखता है और इंटरफेज जो सेल इंटरफेज में होती है उनमें भी हमें न्यूक्लियस ये टाइप में दिखता है अभी ये इंटरफेस का ही न्यूक्लियस है बट जब सेल डिवाइड करेंगी इंटरफेज के बाद चार फेज में वो जाएंगी एंटर करेंगी जैसे प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टिलोफेज तब उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिनिंग में डिसपेयर होगा फिर वहाँ स्पिंडल एपरेटस फॉर्म हो जाएगा मेटाफेज एनाफेज में। फेज में फिर टिलोफेज में धीरे धीरे स्पिंडल एपरेटस डिसअपेयर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होगा और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा तो इसलिए इसलिए डिवाइडिंग सेल्स में आपको कौन सी स्टेज में सेल है तो वहाँ ज़्यादातर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देता इससे पहले इंटरफेज में दिखता है और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में दिखता है बट डिवाइडिंग सेल्स में आपको डिस्टिंट न्यूक्लियस नहीं दिखेगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है क्रोमोजोम्स को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल ऐपरेटर्स बनना इसेंशियल होता है इसकी वजह से ओके okay? तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में कुछ पॉइंट्स अब हम स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट करेंगे जिसमें चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर चार कलर में मैंने बताया है जैसे ब्लैक कलर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप है या फिर उसे कैरियोलेमा भी कहा जाता है उसके बीच में आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं उसमें एक फ्लूड होता है वाटरी फ्लूड कि जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म से थोड़ा अलग होता है फिर उसके अंदर एक ये जो ब्लूइश कलर हम देख रहे हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं या न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं उसे वो है और उसके बीच में एक या दो तीन कभी कभी दो तीन भी हो सकते हैं न्यूक्लियोलस एक डेंस डार्क कलर्ड बॉडीज़ हमें आदर वन ईयर वन या एक या ज़्यादा मिलेंगी और थ्रेड जैसे क्रोमेटिन रेटिकुलम हमें uh, वहाँ नज़र आएगा जो बहुत ज़्यादा पार्ट ऑक्यूपाई करता है न्यूक्लियस का ओके okay? तो ये स्ट्रक्चर के थोड़े डिटेल्स हमने बताए अभी इसमें जाना है हमें ज़्यादा डिटेल्स हमें हर एक हेडिंग के अंदर लर्न करने हैं तो इंटरफेज न्यूक्लियस कंटेंस फोर स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवलप न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन रेटिकुलम और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो ई ER को अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में डबल मेम्ब्रेन विथ स्मॉल ओपनिंग्स कॉल न्यूक्लियर पोर्स यहाँ स्मॉल ओपनिंग है न्यूक्लियर पोर्स विच रेगुलेट्स एक्सचेंज ऑफ Some substances in and out. Okay. In between two membranes there is a space called perinuclear space filled with a watery fluid. और जिनकी वजह से क्या होता है? Nuclear membrane और space, nucleoplasm को cytoplasm से separate करती है. एक wall की तरफ है. Wall की तरह वो काम करती है. Okay. हो गया. उसके बाद. हु? In between टू मेम्बरेन्स अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस एग्जिस्ट इनर मेम्बरेन ये इनर न्यूक्लियर मेम्बरेन या एनवल्प लाइन्ड बाय न्यूक्लियर लेमिना उसमें प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस को शेप मिलता है डेफिनेट आइदर इट में भी ओवल और स्पेरिकल तो ये न्यूक्लियर लेमिना का जो प्रोटीन नेटवर्क होता है उसकी वजह से इनर मेम्बरेन इज लाइंड विथ न्यूक्लियर लेमिना च मेंटेन्स शेप ऑफ द न्यूक्लियस बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन रेटिकुलम वाइल आउटर मेम्बरेन कनेक्टेड विथ ईआर आउटर मेम्बरेन यहां हमने ई ER आर को कनेक्ट कर दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदर स्मूथ और रफ एक एंड आउटर मेम्बरेन को और दूसरा एंड बाहर प्लाज्मा मेमब्रेन को अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्बरेन आउटर न्यूक्लियर मेम्बरेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो साइटोस्केलेटन जैसा काम करता है तो आउटर मेम्ब्रेन कनेक्टेड विथ ई आर एट सम प्लेसेस आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स सम राइबोजोम यहां हमने कुछ राइबोसोम बताए आउटर मेम्ब्रेन पे कभी कभी कुछ जगह राइबोसोम्स अटैच होते हैं ऑन इट ओके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड इनर स्पेस बोथ हेल्प टू बोथ हेल्प इन सेपरेटिंग न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और स्पेस न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्लूड या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है अब हम जाएंगे ये फ्लूड की तरफ जो न्यूक्लियर सैप कैरियो लिंप या न्यूक्लियोप्लाज्म उसे कहा जाता है तो सेकेंड स्ट्रक्चर है इट इज अ फ्लूइडी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस कंटेंस इसमें क्या होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए आरएनए होते हैं प्रोटीन्स होते हैं कुछ एंजाइम्स भी प्रोटीन नेचर के हैं तो प्रोटीन के अंदर एंजाइम भी आ गए प्रोटीन्स एंजाइम्स कुछ मिनरल्स होते हैं साल्ट होते हैं और फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है डी एन ए के न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोलस एक डांस एक डार्कली डेंस बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं अभी न्यूक्लियोलस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे जो हमने ग्रीन कलर में यहां बताया न्यूक्लियोलस डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियस तो कंफ्यूजन ना रहे न्यूक्लियोलस अ डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस इज मेड ऑफ टू थिंग्स आर आर एन ए राइबोजोमल आर एन ए प्लस प्रोटीन राइबोजोमल प्रोटीन आर एन ए और प्रोटीन राइबोजोमल प्रोटीन से बनते हैं लेकिन ये न्यूक्लियोलस दो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है राइबोसोमल आर और कुछ प्रोटीन्स जो राइबोसोम बनाएंगे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के बाहर निकलेंगे और साइटोप्लाज्म में उनका असेंबली होगा एज अ राइबोसोम ओके तो राइबोसोम इस तरह से यहाँ न्यूक्लियोलस बनाता है हु? तो इसीलिए न्यूक्लियोलस इज अप ऑफ आर आर एन ए प्रोटीन्स एंड डी एन ए उसमें डी एन ए भी होता है थोड़ा एंड कंसिडर्ड एज साइट ऑफ राइबोजोम बायोजेनेसिस और न्यूक्लियोलस को राइबोजोम का सिंथेसिस की साइट या प्रोडक्शन साइट कहते हैं राइबोजोम प्रोडक्शन साइट इज न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस कंटेंस वन और मोर न्यूक्लियोलाय एक न्यूक्लियस में बहुत बार एक ही न्यूक्लियोलस होता है लेकिन कभी कभी दो या तीन या चार न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलाय रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ए सेल ओके न्यूक्लियोलस इज अ लार्ज इन ऊसाइट कुछ सेल में एक सेल जैसे है फीमेल के गोनेड ओहरी के अंदर मिलते हैं ऊ उनमें लार्ज होते हैं लेकिन स्पम में छोटे रहते हैं क्योंकि स्पम सेल छोटी है उसमें छोटे न्यूक्लियोलस है और उस साइट थोड़े बड़े हैं उनमें लार्ज न्यूक्लियोलाय पाए जाते ओके क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन रेटिकुलम या नेटवर्क वेन डी एन ए डी एन ए क्या होता है एक ट्विस्टेड डबल हेलिक्स होता है जो पैकेजिंग करता है प्रोटीन के साथ डी एन ए वैन डी एन ए शोज पैकेजिंग विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इट शोज़ इट फॉर्म्स शॉर्ट पहले लॉन्ग होते है फिर शॉर्ट शॉर्ट एंड मच शॉर्टर एंड थिकेस्ट क्रोमोजोम सार फॉर्म पहले क्रोमेटिन रेटिकुलम बनेंगा और वो बने बना हुआ क्रोमेटिन रेटिकुलम बाद में थोड़ा कॉम्प्रेस होगा शॉर्ट होगा थीक होगा और उसे हम क्रोमोजोम बोलते हैं ओके वेन डी एन ए शोज पैकेजिंग विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इट फॉर्म्स शॉर्ट एंड थिक क्रोमोजोम्स इन डिवाइडिंग सेल्स ये डिवाइडिंग सेल्स में होता है नॉन डिवाइडिंग सेल्स में डीएनए डबल नहीं होते या क्रोमोजोम डबल नहीं होते बट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स क्रोमोजोम्स एपियर एज अ थ्रेड लाइक तो ये जो शॉर्ट एंड थिक क्रोमोजोम बता रहे हैं हम ये डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होता है और डिवाइडिंग सेल्स में सॉरी ये डिवाइडिंग सेल्स में सॉरी शॉर्ट एंड थिक क्रोमोजोम्स ऑब्जर्व इन मेटाफेज ऑफ डिवाइडिंग सेल्स वाइल इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स इन इंटरफेज इट इज ए इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग सेल यहाँ क्रोमोजोम हमें क्रोमेटिन रेटिकुलम के फॉर्म में मिलते हैं ये आर क्रोमोजोम्स शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट क्रोमोजोम्स नॉट ऑब्जर्व बट लॉन्ग एंड थिन थ्रेड लाइक क्रोमेटिन रेटिकुलम ऑब्जर्व इन इंटरफेज ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स ओके तो यह देखा हमने वेन डी एन ए शोज पैकेजिंग विथ प्रोटीन्स इट फॉर्म्स शॉर्ट एंड थी क्रोमोजोम्स इन डिवाइडिंग सेल्स बट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स क्रोमोजोम्स अपियर एज अ थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन रेटिकुलम और नेटवर्क ओके न्यूक्लियस कंटेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोजोम में रहती है ओके okay. तो इन सम रीज़न्स ऑफ क्रोमेटिन क्रोमेटिन के कुछ रीजन में जैसे हम यहां देख रहे हैं ये सपोज क्रोमोजोम है इसके अंदर हम कुछ बता रहे हैं देखो जहां ज्यादा कॉम्पैक्टली अटैच डीएनए होता है तो वो इनर्ट होता है जिसे हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं और थोड़ा लूजली अरेंज लाइट कलर्ड जिसमें डीएनए ज्यादा होता है वहां डीएनए एक्टिव होता है ज्यादा उसे यू क्रोमेटिन कहते हैं तो इन दिस वे हेट्रोक्रोमेटिन एंड यू क्रोमेटिन जो डेंस एंड इनएक्टिव होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं और जो थोड़ा लूजली अरेंज लाइट कलर में अपेयर होता है और जिसमें डीएनए ज़्यादा होता है तो उसे हम यू यानी कि ट्रू क्रोमेटिन ट्रू क्रोमोजोम का मटेरियल यानी कि ट्रू जेनेटिक मटेरियल कहते हैं यू क्रोमेटिन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ज़्यादा हेट्रोक्रोमेटिन से ओके तो न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोजोम्स इन सम रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन डी एन ए इज मोर यहाँ जो लाइट रीजन है यहाँ डी एन ए ज़्यादा होता है डी एन ए इज मोर एंड विच इज जेनेटिकली एक्टिव देर फॉर इट इज कॉल्ड एज यू क्रोमेटीन वाइल इन सम रीजन्स मोर प्रोटीन्स एंड लेस डीएनए कहीं ये कॉम्पैक्ट लेरें जहाँ होता है वहाँ प्रोटीन ज़्यादा होते हैं डी एन ए कम होता है और वहाँ डी एन ए इनएक्टिव होता है एंड आर जेनेरिकली इनर्ट और इनएक्टिव देन सच टाइप ऑफ एरिया इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन और उस क्रोमेटिन मटेरियल को हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं तो एक एक्टिव जेनेटिकली एक्टिव क्रोमेटिन को यू क्रोमेटिन कहा जाता है जिसमें डीएनए ज्यादा होता है और जेनेटिकली इनएक्टिव क्रोमेटिन जिसमें प्रोटीन ज्यादा होते और वो इनर्ट होता है इनएक्टिव होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं ओके दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कंटेंस न्यूक्लियर मेमरेन न्यूक्लियो प्लाजम न्यूक्लियोलस एंड जेनेटिक मटीरियल और क्रोमेटिन मटीरियल कॉल्ड क्रोमेटिन रेटिकुलम अब हम न्यूक्लियस के चार फंक्शंस या रोल स्टडी करेंगे पहला रोल क्या होता है जैसे हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस कंटेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन रेटिकुलम और क्रोमोजम्स दैट इज वाई डी एन ए प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है आधा जेनेटिक मटेरियल मदर और आधा फादर की तरफ से आता है हम में और जिसकी वजह से कुछ जेनेटिकल कैरेक्टर हम में आ जाते हैं तो उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं और वेरिएशन क्योंकि दो पेरेंट्स होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में उसकी वजह से हम पूरे हंड्रेड परसेंट जेनेटिकली एक पेरेंट से सिमिलर सिमिलैरिटी नहीं बताते सिमिलैरिटी नहीं दिखाते ओके okay? तो इसकी वजह से हम में वेरिएशन आते वी आर डिफरेंट देन पेरेंट्स और हमारे भी जो ऑस्प्रिंग रहेंगे वो हमसे डिफरेंट आएंगे एक्जैक्टली exactly सिमिलर नहीं होते जेनेटिकली ओके okay? तो इन सेक्शुअली प्रोडक्शंस ऑफ आर जेनेटिकली डिसिमिलर एंड इट क्रिएट्स वेरिएशन तो इसकी वजह से हमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलती है बायोलॉजिकल आइडेंटिटी मिलती है ओके okay? तो ये रोल हो गया न्यूक्लियस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन व्हाई? बिकॉज इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेकंड, सेकंड फंक्शन न्यूक्लियस इज अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डी एन एंड राइबोजोम्स ये तैयार होते हैं और थर्ड एवरी स्पेसीज हैज अ स्पेसिफिक नंबर कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड दैट इज वाई वी कैन एस्टैब्लिश ए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम सपोज ह्यूमन बींग में फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो ह्यूमन बींग के अंदर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम रहेंगे कहीं भी आपको थर्टी ट्वेंटी टेन नंबर नहीं दिखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते तो जेनेटिक व्यू इसमें बहुत काम में आता है इसलिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में या फिर स्टडी करने में हमें क्रोमोसोम का नंबर जो हर स्पेसिस का अपना यूनिक होता है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है uh, ये हो गया तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट लास्ट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ मास्टर सेल ऑर्गेनिली वाई बिकॉज इट कंट्रोल्स मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटीज रिएक्शंस इनसाइड द सेल ओके okay? तो ये चार फंक्शंस हो गए या रोल हो गए न्यूक्लियस के तो अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब्स कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन हिट कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक्स